नमस्कार, वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी के बारे में भी जानेंगे, मतलब क्वेश्चंस के अतिरिक्त और भी कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को जानेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो यार, वीडियो पर एंड तक बने रहना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है देखते हैं। चीनी और पानी का घोल कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इज नॉन एज। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरप। सिरप राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्लाइमेटिक फल के उदाहरण हैं, यानी एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेटिक फ्रूट। कौन कौन से फल क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं? देखो, ऐसे फल जिन्हें हम फल वृक्ष से तोड़ करके कृत्रिम रूप से पका सकें, जैसे आम है, आपने कच्चा तोड़ लिया और उसको पका सकते हैं आप। इसी प्रकार पपीता आप कच्चा तोड़ सकते हैं, पका सकते हैं। इसी प्रकार केला को आप देखते हैं, कच्चा तोड़ लिया जाता है पौधे से, है ना, और फिर उसको कृत्रिम रूप से पकाया जा सकता है। तो ऐसे फल जिनको हम कच्चा तोड़ करके आराम से पका सकें कृत्रिम रूप से, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहीं पर एक शब्द होता है नॉन क्लाइमेटिक फल। क्या मैंने बोला? एक यहीं पे हो जाएगा नॉन क्लाइमेटिक। अब नॉन क्लाइमेटिक फल क्या होते हैं? इनको हम कच्चा तोड़ करके कृत्रिम रूप से नहीं पका सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये फल वृक्ष पर ही पकते हैं। जैसे सर हम जामुन को जानते हैं, जामुन आप कच्ची तोड़ लो नहीं पकेगी, तो बेर पर ही पकती है। जामुन हो गया, है ना, आंवला हो गया, है ना। तो ये फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे बेर है, इनको कच्चा तोड़ करके हम नहीं पका सकते हैं, है ना। अनार हुआ, ये सब क्या होते हैं? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉस की एक समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ सॉस इज, मतलब टमाटर की जो हम सॉस बनाते हैं उसमें एक समस्या देखने को मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको सर बोलते हैं ब्लैक नेक। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, स्पोर बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं इसमें नहीं मरते हैं। जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया हैं आर नॉट किल इन द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस में स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया नहीं मरते हैं? देखो अच्छे से समझ लो, जो स्टरलाइजेशन होता है इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी वस्तु को स्टरलाइज किया जाता है, और जो पास्चराइजेशन होता है इसमें 60 से 70 के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर कम किस में है सर? पास्चराइजेशन में है। अब पास्चराइजेशन में तापक्रम कम है तभी तो स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया किस पर मर जाते हैं? स्टरलाइजेशन पर मर जाते हैं। ये आपको पॉइंट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आम दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये करते हैं 22 जुलाई को। अगला प्रश्न, टी स्टेज का प्रयोग किसकी परिपक्वता ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी किस फल की मैच्योरिटी को मेजर करने के लिए टी स्टेज अवस्था इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेब यानी एप्पल करेक्ट हो जाएगा इसका। इसका राइट जवाब हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक जो संरक्षण में प्रयोग होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्टिव एंटीबायोटिक यूज्ड इन प्रिजर्वेशन। तो चाहे नियासिन हो, चाहे सबटाइलिन हो, चाहे परिन हो, ये सारे ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, इनको बढ़िया से याद कर लो, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस 8 से 10 सवाल आपके रिपीट हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट, फल सिकुड़ने की समस्या किस में देखने को मिलती? तो डिहाइड्रेशन में, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट। फल सब्जियों की पैकिंग के हेतु सबसे
जो बढ़िया रसायन सामग्री वो क्या होती है, सी एफ बी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आलू और प्याज में जमाव रोकने हेतु खुदाई से पूर्व किसका छिड़काव करते हैं? फर्स्ट चेकिंग द जर्मिनेशन इन ऑनियन एंड पोटैटो प्री हार्वेस्टेड स्प्रेइंग इज डन विथ, तो मैलिक हाइड्राजाइड MH का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूखे करौंदे में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता, तो आयरन पाया जाता और 39% के आसपास, ठीक है ना, 39% के आसपास आयरन पाया जाता सूखे करौंदे में, जो कि फलों में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, तोड़ाई उपरांत प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक, तो डॉक्टर एस के राय इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखो जो ये चिन्ह लगे हैं ये किसी बच्चे का पेपर है उसके चिन्ह है, तो ये गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो अपना आंसर की बनाया वो रेड पेन से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, ग्रेनुलेशन इज ए प्रॉब्लम, तो नींबू बरगी की एक समस्या होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टमाटर उत्पादन नहीं है, मतलब कहने का मतलब टमाटर का प्रोडक्ट नहीं है, तो देखो नेक्टर नहीं है, नेक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना आप, नेक्टर नहीं है। अगला, सैपोनिन किस में देखने को मिलता है, सो सैपोनिन मटर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन के अभाव में कितना नुकसान हो जाता है, जैसे जो फल होते हैं फल और सब्जी, तुड़ाई की उपरांत स्टोरेज की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारे फल और सब्जियां बेकार हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत मात्रा में बेकार हो जाते हैं, तो 30% के आसपास। नेक्स्ट, किण्वन हेतु जिम्मेदार सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, तो ईस्ट होता है, खमीर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्टोरेज अक्कर आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद की अवस्था क्या होगी, तो राइपेनिंग, कोई भी फल है मैच्योर हो जाएगा इसके बाद वो राइप होगा, राइपेनिंग आएगी, और राइपेनिंग के बाद की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं ओवर राइपेनिंग। नेक्स्ट, फलों को थपथपाकर इसकी परिपक्वता ज्ञात करते हैं, जो वाटरमेलन है लोग जान कैसे जानेंगे कि वाटरमेलन ये जो है तैयार हो चुका है, खाने योग्य है या पक चुका है, तो कैसे आप जानोगे, तो लोग थपथपाते हैं उसी को बोलते हैं टैपिंग। तो प्रश्न आ सकता है कि टैपिंग किस में करते हैं, तो आपको बताना है वाटरमेलन में। अगला प्रश्न, नॉन फर्मेंटेड पेय पदार्थ का उदाहरण है, तो लिमका, लिमका जो है नॉन फर्मेंटेड होता, बाकी ऊपर के चाहे वाइन हो चाहे नीरा हो चाहे साइडर हो, ये सब कैसे होते हैं, फर्मेंटेड होते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज होते हैं ये। अगला प्रश्न है, अस्थायी परिरक्षण का उदाहरण है, तो वैक्सिंग, बाकी चाहे फ्रीजिंग हो चाहे स्टलाइजेशन हो, ये कैसे होते हैं, ये परमानेंट प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं, चाहे देखो स्टलाइजेशन हो फ्रीजिंग हो या हम केमिकल का यूज करें, KMS का यूज करें या फिर हम सोडियम बेंजोट का यूज करें, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सर परमानेंट प्रिजर्वेशन, मतलब स्थायी परिरक्षक होते हैं, अस्थायी से हम कुछ समय के लिए परिरक्षित कर सकते हैं फल और सब्जियों को, लेकिन इन मेथड से हम बहुत लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैंडी बनाने के लिए जो फल है कौन सा है, तो करौंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, करौंदा के अतिरिक्त बेर से बढ़िया कैंडी बनती है और आंवला से, ये प्रश्न याद रखना आप, बेर और आंवला से जो है कैंडी बनाई जाती है, करौंदा से भी बनाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में करौंदा था इसलिए करौंदा राइट हुआ। पादप हार्मोन जो डिग्रीनिंग उत्पन्न करता है, तो इथाइलिन का रूप होता है इथेपॉन, ठीक है ना, जो हमारा एथिलीन होता है इसके दो रूप होते हैं, एक होता है इथरेल और एक होता है इथेपॉन, इथेपॉन जो है ये गैसियस रूप होता है और ये लिक्विड रूप होता है, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देर से खराब होने वाला फल है, लो पेरिसेबल फ्रूट इज, तो बेल जो है बहुत देर में ख़राब होता है, पूछा जाएगा आपसे निपटेम कहाँ पे है, तो ये सोनीपत हरियाणा में है निपटेम, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लो। अगला प्रश्न है, नारंगीन एवं हेस्पेरिडिन इस फल में पाई जाती है, जो नारंगीन है हेस्पेरिडिन है किस में पाई जाएगी, तो यह सिट्रस फ्रूट में पाई जाएगी, किस में, सिट्रस फ्रूट में। अगला प्रश्न, सब्जी जो मिठाई बनाने में प्रयोग की जाती है, तो परवल, परवल का बहुतायत प्रयोग किया जाता है मिठाई बनाने में। अगला प्रश्न,
एपर्टाइजिंग का दूसरा नाम, तो एपर्टाइजिंग को क्या बोलते हैं, कैनिंग। कैनिंग का ही दूसरा नाम होता है एपर्टाइजिंग। और कैनिंग के पिता कौन है, एफ निकोलस एपर्ट। क्या है, एफ निकोलस एपर्ट, याद रखना। पेठा इसका उदाहरण है, तो पेठा किसका उदाहरण भाई, कैंडी का है। पेठा किसका एग्जाम्पल हुआ, कैंडी, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पैक्टिन इसके निर्माण में आवश्यक है, तो जेली बनाने के लिए फल में पैक्टिन की अधिकता होनी चाहिए। जेली बनाने के लिए फल में पैक्टिन की अधिकता होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्वैश का TSS कितना होता है, तो जो स्क्वैश होता है इसमें 40-50% क्या होता है, TSS, इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा आप। अगला प्रश्न है, सीट टेस्ट का प्रयोग किसके बनाने में करते हैं, सीट टेस्ट, तो ये करते हैं जैम के बनाने में जो है सीट टेस्ट किया जाता है। स्क्वैश के संरक्षण के लिए जो पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड है उसकी कितनी मात्रा का यूज करते हैं, 350 ppm। अगर सोडियम बेंजोइड का यूज करा जाएगा तो कितना करा जाएगा, 600 ppm। अगर सोडियम बेंजोइड का यूज हम करते हैं तो 600 ppm, और KMS का यूज करेंगे तो 350 ppm। दोनों बातें याद कर लो आप। अगला प्रश्न, जैम में खटास की मात्रा होती है, तो जैम में खटास की मात्रा जो एसिडिटी है वो 0.5-0.6% होती है। मार्मलेड किससे बनाते हैं, नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है मार्मलेड। इसमें अंतिम बिंदु की जांच के लिए अल्कोहल टेस्ट, तो अल्कोहल टेस्ट कितने करते हैं भैया, जेली बनाने के लिए किया जाता है। जेल मीटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो पैक्टिन ग्रेड को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, जेल मीटर का। पैक्टिन की मात्रा फल में कितनी है इसको मापने के लिए जेल मीटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन लोग, क्रिस्टलाइजेशन की समस्या किसमें देखने को मिलती है, तो दानेदार की समस्या जैम में देखने को मिलती है। माइल्ड एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है, माइल्ड एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है तो सिरका, यानी जिसको बोलते हैं विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी जेली जमने हेतु पैक्टिन की आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.50-1% पैक्टिन होनी चाहिए। फ्रीजिंग इंजरी किसमें देखने को मिलती है, तो एप्पल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सब्जियों के टुकड़े को 2-3 मिनट उबालना क्या कहलाता है, ब्लांचिंग। जो सब्जियों के टुकड़े होते हैं उसको 2-3 मिनट उबालना, इस टर्म को बोलते हैं ब्लांचिंग। नेक्स्ट है, फलों से निर्मित पेय पदार्थ का क्रिस्टलाइजेशन कितना तापमान पर करते हैं, तो ये 100 डिग्री पर करते हैं। फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है ये। कार्बनी कृत पेय का उदाहरण है, तो लिम्का है इसका एग्जाम्पल। इस फल की सर्वाधिक डिब्बाबंदी करते हैं, तो पाइनएप्पल की डिब्बाबंदी बहुत ज़्यादा की जाती है फलों में, और सब्जियों में मटर की। नेक्स्ट, जैम बनाने हेतु उपयुक्त तो फल कौन सा है भाई, तो जैम बनाने के लिए जो सबसे अच्छा फल है कौन सा, एप्पल है, ठीक है ना, एप्पल है। जैम में TSS कितना होना चाहिए, तो आपको बताना है 68% होना चाहिए, ये पॉइंट याद कर लो आप। फील्ड हीट इज रिमूव्ड बाई, किसके द्वारा फील्ड हीट रिमूव करी जा सकती है, फील्ड हीट ये होता है, इसका मतलब जैसे किसी सब्जी या फल को आपने फील्ड से तोड़ करके लाया, तो उस समय उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा यानी गर्मी होती है। अगर ऐसे ही में आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक अभी स्टोर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी जो हीट है फील्ड हीट, जो तापमान, उस ऐसी को बोलते हैं प्रीकूलिंग के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, परिपक्वता के समय आम की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1.01-1.02। टमाटर का रेड रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, जेली का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो जेली भाई संरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, शुगर यानी चीनी के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वेटिंग का संबंध किससे है, तो स्वेटिंग का संबंध ड्राइंग से यानी सुखाना से है। आगे प्रश्न नया है, कितना नमक संरक्षण का कार्य करता है, तो 15%। अगर 15% आप किसी प्रोडक्ट में नमक का यूज कर रहे हैं तो प्रिजर्वेशन का काम करता है। कौन सा पिगमेंट परिपक्वता के समय घटता है, तो हम सारे बच्चे सभी लोग जानते हैं परिपक्वता के समय तो सर क्लोरोफिल ही घटेगा, बाकी कोई नहीं घटेगा। नेक्स्ट, कार्डियल किससे बनाते हैं, तो कार्डियल नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है, सिट्रस फ्रूट से। RTS में TSS और फ्रूट जूस की मात्रा क्या होती, 10%। यानी जो RTS है इसमें TSS और
फ्रूट जूस की मात्रा 10-10% होती, 10% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्मो ड्राइंग विधि से प्राप्त उत्पाद है तो चाहे कैंडी हो, चाहे प्रिजर्व हो, चाहे अचार हो, ये सारे ही जो प्रोडक्ट हैं ऑस्मो ड्राइंग विधि से प्राप्त उत्पाद होते हैं। अगला प्रश्न, फल और सब्जियों को सुखाते समय आरंभिक तापमान, देखो आरंभिक तापमान कितना होता है भाई, 43°C। जेली बनाने हुए तो आदर्श पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 3.2। अगर 3.2 पीएच है तो समझना चाहिए कि जेली बहुत अच्छी बनी है। केला के भंडारण के लिए तापमान की बात करी जाए कि 10-11°C, है ना, 10-11°C। तो ये पूरे 60 क्वेश्चन थे, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वाच करना 2-3 बार, तैयार कर लेना, पेपर में 10-5 सवाल आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू।